शनिवार सुबह मुंबई के अंधेरी में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, जिससे परिसर में मौजूद 33 लोग फंस गए। मुंबई के फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अनुसार अंधेरी पूर्व के साकी नाका में साकी CHS में 6 मंजिला इमारत में सुबह 9:15 बजे लेवल 1 की आग लगने की सूचना मिली थी। सुबह 11:45 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बुरहन मुंबई नगर निगम BMC अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार आग जमीन पर इलेक्ट्रिक मीटर, केबिन को इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन और पैनल बोर्ड तक ही सीमित रही। नागरिक अधिकारियों ने दावा किया है कि सीढ़ियों के साथ साथ बंद छत में घने धुएं के कारण लोग इमारत में फंसे रहे। अग्निशामकों ने एंक सीढ़ी और सीढ़ी का उपयोग करके बचाव अभियान चलाया। पहली मंजिल से 7 लोगों को बचाया गया। दूसरी मंजिल से 5 महिलाओं, 2 पुरुष, 2 लड़कियों और 2 नवजात शिशुओं को बचाया गया और तीसरी और चौथी मंजिल से 2 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, आगे की जांच की जा रही है।